गाइस, चलपास किचन में आपका स्वागत है। गर्मियां शुरू हो गई है तो इस गर्मी की सीजन में हम बनाएंगे घर पे ठंडा ठंडा आम का पन्ना। अगर आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं आम का पन्ना, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 3 कच्ची कैरी ली है। कैरी का पहले हम छिलका निकाल देंगे। आम का मैंने अच्छे से छिलका निकाल लिया है, इसे अब हम बड़े बड़े टुकड़ों में कट करेंगे। सारे मैंगो मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिए हैं और गुठली को अलग से निकाल लिया है, तो चलिए अब इसे कुक करते हैं। यहाँ पे गैस पे मैंने एक पैन गरम कर लिया है, उसमें हम डालेंगे हमारे कटे हुए आम के सारे टुकड़े। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े कप पानी। उसके बाद हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 कप शक्कर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून काला नमक। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और इन सब चीजों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। इसे हम मिनिमम 20 से 25 मिनट तक कुक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा आम पन्ना जो हमने कुक करने रखा था वो अच्छे से कुक हो चुका है। ये देखिए, ये कुक होने के बाद एकदम थिक भी हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसे 15 से 20 मिनट तक हम ठंडा होने देंगे। हमने जो आम कुक किया था वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसे हम एक मिक्सी जार में निकाल लेंगे। देख सकते हैं ठंडा होने के बाद ये कितना थिक हो चुका है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसका हम एक थिक सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसे मैंने चन कर लिया है, ये अच्छा थिक पेस्ट रेडी हो चुका है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 ग्लास, इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच हमारा बनाया हुआ आम पन्ना का पेस्ट। अब इसमें हम ऐड करेंगे ठंडा पानी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 फ्रेश पुदीना के पत्ते और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 क्यूब आइस के और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं हमारा आम पन्ना अच्छे से रेडी हो चुका है, तो आप भी इसे घर पे बना के जरूर ट्राई करिएगा। तो रेडी है हमारा आम पन्ना।